लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के मुतनाज़ा इंटरव्यू से मुतालिक समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। नवाज शरीफ, शाहिद, खाकान, अब्बासी, सहाफ़ी सिरिल अलमीडा अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ, शाहिद, खाकान, अब्बासी और सिरिल अलमीडा को जवाब दाखिल कराने का हुक्म दिया गया है। सिरिल अलमीडा का नाम ECL से निकाल दिया गया। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी खत्म कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कैबिनेट डिवीजन से भी जवाब तलब कर लिया है। कहाँ हैं मियां नवाज शरीफ? लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इस्तफसार किया गया। शदीद रश की वजह से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रोशन पर ना आ सके। माई लॉर्ड, नवाज शरीफ आ गए हैं, वकील नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया। नसीर भुट्टा साहब, आपने भी एक वादा किया था। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से मुकालमा किया गया। जनाब, मेरे मुवक्कल कमरा अदालत में मौजूद हैं, हम हर वक्त अदालत में पेश होते हैं, ये वकील की जानिब से कहा गया। कभी मुलजिम तो कभी मुदई, नवाज शरीफ का वकील का अदालत में बयान। इंटरव्यू का हुकूमती सतह पर नोटिस लिया गया। अदालत का महकमा दाखिला के वकील से इस्तफसार किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलने वाले इस इंटरव्यू से आपने क्या एक्शन लिया और आपकी जानिब से क्या कार्रवाई की गई? अदालत की जानिब से आज की समाअत में ये इस्तफसार किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के मुतनाज़ा इंटरव्यू से मुतालिक समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ, शाहिद, खाकान, अब्बासी, सहाफ़ी सिरिल अलमीडा अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ, शाहिद, खाकान, अब्बासी और सिरिल अलमीडा को जवाब दाखिल कराने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। सिरिल अलमीडा का नाम ECL से निकाल दिया गया। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी खत्म किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कैबिनेट डिवीजन से भी जवाब तलब कर लिया है।